माय नेम शियान बसीना एंड वेलकम बैक टू इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस, आज वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके गूगल एंड मैं बहुत जल्दी इसको कवर कर दूंगा, ठीक है? बिकॉज मैं अभी दोबारा वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट वीडियो जो आप लोगों के लिए होगी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है फ्लैग एंड पोल पैटर्न के ऊपर, और मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से एक्सट्रीम रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो उस पर्टिकुलर पैटर्न के ऊपर। मेरे क्या सीक्रेट्स हैं, मैं कौन से टूल से टारगेट एंड स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करता हूँ, किस रीजन से मैं अपनी एंट्री पॉइंट ब्रेकआउट होने से पहले ले लेता हूँ, सारी चीज़ें बताई जाएंगी आप लोगों को इस वीडियो में। नॉट इस वीडियो में, मैं इसके बाद अपलोड करने वाला हूँ, मोस्ट प्रोबेबली कल और एक्सट्रीम लेवल पे परसों तक आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी। सो इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ, एक मैंने वॉच लिस्ट क्रिएट कर रखी है जो कि मैं 10 नवंबर तक उसे अपडेट करते रहूंगा, ठीक है? उसके अंदर मैंने 10-12 स्टॉक्स ऐड कर लिए हैं। उस 10-12 स्टॉक्स में से कुछ स्टॉक्स हम लोग एग्जिट करते रहेंगे, निकालते रहेंगे, रिमूव करते रहेंगे एंड कुछ ना कुछ स्टॉक्स ऐड ऑन करते रहेंगे। सो वो 10 से 15 नवंबर तक के लिए मैंने वो वॉच लिस्ट क्रिएट कर रखी है। मैं एक ट्रेडिंग जर्नल जो मैं अपना खुद का बनाया हुआ यूज करता हूँ कस्टमाइज एक्सेल के थ्रू, उस पर मैं आप लोगों को एंट्री लेवल टारगेट स्टॉप लॉस सारी चीज़ें अपडेट कर दूंगा एंड ए टू जेड चीज़ें आप लोगों को उसके थ्रू पता चलती रहेंगी। सो गाइस, मेरे पास आज बहुत सारे टेलीग्राम के अंदर मैसेजेस आए कि सर आपका ये वाला टारगेट हिट हो गया, ये वाला टारगेट हिट हो गया, ये वाला आपने 20 अक्टूबर को दिया था, 19 अक्टूबर को दिया था, 21 अक्टूबर को दिया था। थोड़े बहुत लोगों के ये भी आए कि सर आपके ये वाले टारगेट्स हिट नहीं हो पाए। सो लेट मी एक्सप्लेन यू इस वाली वीडियो पे कि किस तरीके से आप लोग सारा काम कर सकते हैं, किस बेसिस पे कर सकते हैं, कैसे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है और कैसे एग्जिट स्ट्रैटेजी बनानी है। सो स्टे ट्यून्ड। सो चलते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे एंड आज मैं कोई स्टॉक्स रिकमेंडेशन देने नहीं वाला, वही वॉच लिस्ट के अंदर ही आप लोगों को मैं टारगेट लेवल एक एक मिनट के अंदर बता दूंगा एंड निफ्टी और बैंक निफ्टी की थोरली एनालिसिस करते हैं। ओके गाइस, तो हम लोग अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे आ चुके हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी को लास्ट पे एक बार स्टडी करते हैं। मैं आप लोगों को पहले वॉच लिस्ट दिखा देता हूँ, एक्जैक्टली इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मैं स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा तो आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। पहला स्टॉक है SBI कार्ड, दूसरा है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, थर्ड है गुडलक, HDFC, ग्लैंड, STL टेक, ISEC, रेलटेल, अल्कली और क्विज। इसके अलावा शॉपर स्टॉप और तत्वा को आप हटा सकते हैं, ट्रिट टर्बाइन एंड सिसिल एंड UPL। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, इसको आप चेक जरूर करिएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ आप लोगों को एंट्री कहाँ लेनी है, किस लेवल पे लेनी है और तभी बाइंग करनी है, ठीक है? सबसे पहले SBI कार्ड मैंने ऑलरेडी सजेस्ट करा हुआ है आप लोगों को अपनी वीडियो के अंदर। सो आपको बाय इसी लेवल के ऊपर करना है, तो जोन आपको दिखा हुआ है, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एंट्री लेवल आप याद रखना, ठीक है? आपको बाय करना है जब 15 मिनट की कैंडल 1155 रुपीज के ऊपर क्लोज करेगी, 1155 के ऊपर क्लोज करेगी तब आपको बाय करना है। इसके अलावा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में मैंने बोला था 30 मिनट्स की कैंडल ऊपर क्लोज कर जाएगा। सो ये ओपनिंग प्राइस था क्योंकि हमें इस रेड लाइन के ऊपर बाय करना था। लेट मी जस्ट रिमूव दिस, मैं इसको साइड कर देता हूँ। ये वाला ओपनिंग प्राइस था और हमें आज के लिए ही मैंने ये सजेस्ट करा था कि अगर इसके ऊपर 30 मिनट की कैंडल क्लोज कर जाती है, बट 30 मिनट्स की नहीं कैंडल क्लोज करी, इसके अलावा तो 15 मिनट की कैंडल भी क्लोज नहीं करी है। सो हमारा बाय जनरेट अभी तक नहीं हुआ। सो जैसे ये 130 रुपीज़ के ऊपर 30 मिनट्स की कैंडल क्लोज करती है, आप लोग अपनी बाय पोजीशन इसके अंदर बना सकते हैं, ठीक है? स्टॉक का नाम है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, आप देख सकते हैं आफ्टर लॉन्ग रेंज कंसोलिडेशन ये ब्रेकआउट दे सकता है। अब बात करते हैं गुडलक की। सो गुडलक पे मैंने आप लोगों को दो चीज़ें बताई थी, मैंने बताया था यहाँ पर दो पर्सपेक्टिव से, एज अ सेफ ट्रेडर और एज अ एग्रेसिव ट्रेडर। मैंने बोला था ये ब्रेकआउट आ चुका है, सबसे बड़ा जो हेवी रेजिस्टेंस होगा वो होगा 332 रुपीज़ पे, बिकॉज वहाँ से एक शार्प फॉल आना स्टार्ट हुआ है अकॉर्डिंग टू VCP वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न और प्राइस कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न के थ्रू, ठीक है? सो ये लेवल सबसे बड़ा हर्डल होगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो आप लोग अपनी पोजीशंस को ऐड ऑन कर सकते हैं। ये वर्ड अगर आपको नहीं सुना तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो पे जाके ज़रूर गौर से सुनेगा। मैंने बोला था यहाँ पर आप 30-40% क्वांटिटीज ले सकते हैं अगर आप लोग सेफ एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, अदरवाइज सेफ ट्रेडर्स के ऊपर बाइंग करेंगे अगर इसके ऊपर 30 मिनट्स की कैंडल क्लोज होती है, अदरवाइज हम लोग इसी लेवल पे अपनी पोजीशन बनाएंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस है, सो बाय चांस आप लोगों ने यहाँ पर 30% क्वांटिटी पे आप कुछ लॉसेस अभी होंगे, बट अगर आपको और पोजीशन ऐड करनी है तो कहीं डाउन साइड पर आपको नहीं करनी है, आपको इसी ब्रेकआउट के ऊपर करनी है। सो ब्रेकआउट लेवल इज 332 आफ्टर क्लोजिंग ऑफ 30 मिनट्स कैंडल। तो ये याद रखना, जब भी मैं ब्रेकआउट लेवल बोल रहा हूँ तो 15 से 30 मिनट की कैंडल जब तक बुलिश क्लोज नहीं होगी किसी भी स्टॉक के अंदर आपको एंट्री नहीं लेनी है, इस बात का रिमाइंडर बना के रख लो। HDFC बैंक, सो HDFC बैंक लेट्स ओपन 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मैंने बोला था एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला था,
ब्रेकआउट देखने के मिलने के बाद ये एक शार्प इंपल्स मूव थी एंड इसके बाद एक रेंज के अंदर ही कंसोलिडेट कर रहा है, तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न है। अब फाइनली इसने फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया, बट मैंने आपको बोला था 2912 के ऊपर ही बाय करना है। सो ये रेड कलर की लाइन देख रहे हैं ऑलरेडी मैंने बना रखी है, तो ये जैसे इसके ऊपर जाइए हमें तभी अपनी एंट्री पॉइंट लेना है। 15 मिनट की कैंडल याद रखना है, एंट्री पॉइंट में बोलूँ इसके ऊपर तो 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, ठीक है, बार बार भूलिएगा मत। सो ये हमारा स्टॉक है। इसके अलावा ग्लैंड आप देख रहे होंगे क्या हुआ आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर, ये वाली कैंडल थी जो मैंने आपको बोला था कि बने इसके ऊपर जाएगा, रेड वाली कैंडल, रेड वाली लाइन देख रहे हैं, इसके ऊपर मैंने बोला था बाय करना है। ये हमारा सबसे पहला टारगेट है इंट्राडे और एज अ बीटीएस थी, अदरवाइज अगर ये टारगेट आ गया तो आप लोग अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं अगर आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। अदरवाइज हमारा अल्टीमेट टारगेट ये लेवल है और इसके ऊपर भी आने वाले 2-3 हफ्तों के अंदर ऊपर जा सकता है और हम लोगों को आराम से 4100 तक के भी लेवल्स 4100 लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। हुआ क्या, ये खुला एग्जैक्टली ये इस लेवल पे क्लोज हुआ था और आज खुला गैप डाउन, कंटिन्यूस नीचे गया, डबल बॉटम क्रिएट करा, दोबारा ऊपर गया। अब ये हो सकता है कि ये कहाँ कल दोबारा गैप डाउन खुल के नीचे चले जाए, बट अगर ऐसा नहीं हुआ और अगर ये इस लेवल के ऊपर खुलता है यानी कि 37 40 रुपीज़ के अगर कल ये ऊपर खुला या कभी भी ऊपर जाए इसके ऊपर, आपको सीधा एक मिनट की कैंडल ओपन करनी है। एक मिनट की कैंडल ओपन करने के बाद आप, सॉरी नॉट एक मिनट, गलती मैंने कर दी, एक मिनट की, यस 5 मिनट की कैंडल ओपन करनी है। 5 मिनट की कैंडल ओपन करने के बाद जैसे ये लेवल ब्रेकआउट देता है, ये वाला हाई है, ये जैसे ही हाई ब्रेकआउट देगा 5 मिनट के अंदर, ये वाला हाई है, अब जैसे ही ब्रेकआउट देगा आप तुरंत अपनी बाय पोजीशन बना सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ दिस। 50 रुपए की रैली है, बहुत इजीली इंट्राडे या फिर एज अ बीटीएस थी देखने को मिल सकती है, अपनी पोजीशन को स्कोर ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद एसटीएल टेक, यस एसटीएल टेक आप देख सकते हैं, ये वाला स्टॉक मैंने आप लोगों को रिकमेंडेशन दिया था 291 रुपीज के आसपास ही, और इसको एक सेकेंड, यहाँ 291 ही मैंने आप लोगों को रिकमेंड दिया था ऑन आर टेलीग्राम चैनल। सो उसके बाद ये 307 तक गया था, मैंने वहाँ पर बोल दिया था कि आप लोग अपनी 50% क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं, हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 317 रुपीज़ का। अभी भी करंट लेवल पे आ चुका है, स्टॉप लॉस जो हम लोगों ने ये वाला मेंटेन करा था, ये वाला एक्जैक्टली हमें 268 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इफ यू आर स्टिल होल्डिंग दिस स्टॉक। अदरवाइज आप लोग अपने, अगर आप लोगों को लगता है कि ये रिस्क ज़्यादा है तो आप लोग डेफिनेटली पोजीशन को इसी लेवल पे भी एग्जिट कर सकते हैं, बट जिन लोगों ने हायर लेवल्स पे बना रखा है तो प्लीज़ होल्ड द पोजीशन विद स्टॉप लॉस एट दिस, और टारगेट हमारा 317 एक मेजर है। जो भी अभी हम लोगों ने आप लोगों को यहाँ पर बताया था ना गुड लक के अंदर 320-332 तक जाके ही नीचे आ गया था, एग्जैक्टली वो यही लेवल है स्टील टेक के अंदर, यहाँ से भी नीचे आ सकता है। सो ये लेवल पे अपनी आधी परसेंट क्वांटिटी एग्जिट कर देना, नेक्स्ट टारगेट हमारा और ऊपर होगा जो मैं 400 रुपीज के लिए एम कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं आईसेक की, सो आईसेक पे आप देख रहे होंगे इसके अंदर हुआ क्या, ये आप देख रहे हैं कंटिन्यूस फॉल आया, पर एक इनसाइड कैंडल बनाई, इनसाइड कैंडल बनाने के बाद एक शार्प फॉल आ गई है। अब शार्प फॉल आ गई है, अब आप आरएसआई को चेक करिएगा, ये आरएसआई ये है और ये वाला बॉटम का आरएसआई ये है एंड आरएसआई ये है इस वाली कैंडल का, यानी कि अब यहाँ पर टाइम आने वाला है एक रिवर्सल का। मतलब अभी ये नहीं कह रहा कि कल के कल रिवर्सल आ जाएगा, बट यहाँ पर अब एक बेस बनना स्टार्ट हो गया। सो बेस अगर मैं लेकर चलूँ तो मोस्ट प्रोबेबली मैं ये वाला बेस लेकर चल सकता हूँ। सो स्टॉक अपनी वॉचलिस्ट के अंदर ऐड करना स्टार्ट कर दो, जैसे ही आप लोगों को ना एक 2-3 इंडिसाइसिव कैंडल दिखती है और वहां पर आपको छोटा सा रिवर्सल मिलता है तो स्टार्ट बाइंग दिस स्टॉक, बट हैवी क्वांटिटीज, हैवी बल्क क्वांटिटीज बिल्कुल नहीं उठानी है। ये सिर्फ मैं एक आरएसआई के बेसिस पर डिसीजन ले रहा हूँ, चार्ट वाइज ये बिल्कुल वीक है ना, मुझे समझ में आ रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर इस पर स्टॉक पर लगाना है तो बहुत कम क्वांटिटीज, मतलब कुछ फंड पड़ा हुआ ना तो थोड़ा बहुत इसमें ऐसी लगा के छोड़ दो, ठीक है। इसके अलावा आते हैं हम रेलटेल के अंदर, अब रेलटेल पे अब आप देखेंगे तो ये स्टॉक करके आ रहा है, लेट मी शो यू, ये मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन पे अगर मैं देखूंगा तो ये मल्टीपल बार ऊपर हर्डल्स ले रहा है एंड हम लोग देख रहे हैं कि रेलटेल या रेलवेज के जो स्टॉक्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस शुरुआत में देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीक बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं। सो ये मैंने सिर्फ एज अ इंट्राडे ले रखा है, ये सिर्फ नॉट बीटीएस थी और अ स्विंग ट्रेड, मैंने ये चीज देख रही कि एक दिन ऊपर जाता है, दो दिन नीचे जाता है, दो दिन ऊपर जाता है, एक दिन नीचे जाता है और इस तरीके से रैली करता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, अगर कल एक गैप अप देखने को मिलता है, अगर कल गैप अप देखने को मिलता है आपको एक मिनट की कैंडल ओपन करनी है। एक मिनट की कैंडल ओपन करने के बाद अब आप देख रहे हैं ये लोअर लो लोअर हाई क्रिएट कर रहा है, ये जैसे ही अपने प्रीवियस वाले हाई को ब्रेक करेगा ना एक मिनट की कैंडल पे, अब अपना एक इंट्राडे पोजीशन बना लेना, स्टॉप लॉस आप रखना है इस वाले लो का, मतलब जो भी आपका प्रीवियस स्विंग लो होगा उससे 2-3 थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेना, यहाँ पर आपका एंट्री लेवल होगा इसके ऊपर, या फिर अगर डिप मिल जाए तो भी बाय कर सकते हैं, बिकॉज वो सिनेरियो चेंज हो जाएगा एज अ रिवर्सल। अब आपका जो भी प्रीवियस स्विंग आएगा होगा यहाँ पर आप अपना यहाँ पे या इससे थोड़ा ऊपर 2-3 रुपए लेके एग्जिट कर सकते हो, ये एज अ इंट्राडे है, इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं एल्कली की,
सो एल्कली पे अगर आप देखेंगे, लेट मी शो यू, एल्कली पे आप देखेगा इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इसने बहुत बढ़िया रैली दी थी एट दिस पर्टिकुलर लेवल, ऑलमोस्ट 65 से ये 110 चला गया था। अब ये इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर, आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, अगर मैं यहाँ पर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूँ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल, तो आप देख रहे हैं 61% का बहुत बढ़िया सपोर्ट इसे मिला है। सो बाय चांस हो सकता है कि अभी रेजिस्टेंस लेवल ये था, बट जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा 91 रुपीज के ऊपर, देखिए अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि 91 तो सर बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो आप लोग कुछ क्वांटिटीज के अंदर एड ऑन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लोग अपना ये वाला रखेंगे 78 रुपीज़ का, बट आप लोगों को 91 के ऊपर और क्वांटिटीज एड ऑन कर लेनी है अगर क्लोजिंग होती है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। अब इसके अगर मैं टारगेट्स आपको बताना चाहूँ तो लेट मी शो यू द टारगेट्स एज वेल, मैं इसको अपडेट करते रहूँगा, डोंट वरी, ठीक है। हमारे जो टारगेट्स है, अल्टीमेटली टारगेट, फर्स्ट टारगेट शुड बी 120 एंड आर लास्ट टारगेट शुड बी 136 रुपीज का। इसके अलावा क्विज, स्टॉपर स्टॉप, तत्वा, इन तीनों की बात मैं आखिरी में करता हूँ। अब आते हैं थ्री टर्बाइन में। थ्री टर्बाइन पे आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया पैटर्न बना हुआ था, एक बहुत बढ़िया राइजिंग चैनल था, एक राइजिंग वेज था, राइजिंग वेज का बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड इम्पल्स मूव फ्रॉम 133 टू 186 का, एक बहुत बड़ा इम्पल्स मूव दिया। आफ्टर दैट इट कम विद अ कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन हुआ अपना एग्जैक्टली रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे, एक सपोर्ट लिया, इट गिव अ वेरी गुड ब्रेकआउट, ब्रेकआउट देने के बाद आज ये हॉल्ट करा है। तो हॉल्ट करा है, डेफिनेटली मेरे को लगता है ये बहुत बड़ी एक्यूमुलेशन जोन है। लेट मी टेल यू द एक्यूमुलेशन जोन, ये बहुत बड़ी एक्यूमुलेशन जोन है, आपको 162 पे भी मिले तो भी बाय कर सकते हैं। करेंट लेवल्स पे भी कुछ क्वांटिटीज एड ऑन कर सकते हैं। जो मेरा इसका अल्टीमेटली टारगेट है वो 200 रुपीज प्लस है, जो कि बहुत ईजिली देखने को आने वाले टाइम पे मिल सकता है। इसके अलावा सिसिल की बात करते हैं, तो सिसिल पे आप देखिएगा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है मुझे, ये देखिएगा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट देखने को मिला, वॉल्यूम्स राइज करें हैं, आरएसआई ओवरबॉट नहीं हुआ है, आरएसआई पे एक छोटा सा हर्डल है, लेट मी शो यू बस, ये एक छोटा सा हर्डल है आरएसआई के अंदर, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल कंसोलिडेटों के नीचे आता है, बट मेरे को लग रहा है कि आरएसआई ओवरबॉट नहीं है और अपने इसने ब्रेकआउट दिया है, ये अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है, स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग दिस स्टॉक्स एज वेल, ठीक है। लास्ट आता है यूपीएल, यूपीएल देखिएगा, यूपीएल स्टॉक अच्छा है डेफिनेटली। लेट मी ओपन अप फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक रेंज बनी हुई है, ऑलमोस्ट 2019 का ये टॉप था, 2021 पे इसने ब्रेक करा था, तो ऑलमोस्ट 2 साल के हाई को इसने अपने प्रीवियस लेवल के हाई को मल्टी टाइम न्यू लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करा आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड ब्रेकआउट, आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड इम्पल्स मूव लाइक एल्कली, लाइक नॉट सॉरी एल्कली, लाइक थ्री टर्बाइन। तो इसने एक बहुत बढ़िया सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे। इसके अलावा आप देख सकते हैं एक रेंज के अंदर, एक डाउन ट्रेंड रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ को ऑब्जर्व करिएगा, अब ये नीचे जाने से अच्छा ना यहाँ पर बार बार हॉल्ट कर रहा है, ये देख रहे हैं बार बार हॉल्ट कर रहा है। सो अगर इसके ऊपर निकलता है 705 के ऊपर एक लूजिंग देखने को मिलती है, इट्स अ वेरी गुड बाय इन यूपीएल, और आप लोग नवंबर का भी कॉल ऑप्शन उठा के चल सकते हैं। सो आई होप ये वाली वॉच लिस्ट है, बट याद रखिएगा ये वॉच लिस्ट कंटिन्यूस बेसिस पे चेंज हो सकती है। सो मैं आप लोगों को ऑन एवरी डे बेसिस अपडेट करता रहूँगा, तो टेलीग्राम पे आप लोग मस्त ज्वाइन हुएगा, ठीक है। अब इसके अलावा मैं 2-3 स्टॉक्स की बात करने वाला हूँ, तो प्लीज़, क्योंकि ना जब मैंने ये वाले सारे स्टॉक्स आप लोगों को बताया तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर क्या पता कौन सा स्टॉक चले कौन सा स्टॉक नहीं चले। यस डेफिनेटली अगर आपने SBI कार्ड इस लेवल के ऊपर बाय करा जो लेवल मैंने सजेस्ट करा हुआ है और उसके बाद वो स्टॉप लॉस हिट कर गया, तो सर हम क्या करेंगे। अगर मैंने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस आपने सर बाय करवा दिया और उसका टारगेट हिट हो गया, बट मैंने तो SBI कार्ड बाय करा था और श्रीराम बाय नहीं करवा था, तो मैं क्या करूँ। तो लेट मी टेल यू, देखिए यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम डेफिनेटली आने वाली है, जिसकी इन्वेस्टमेंट 20-30,000 है उन लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत आने वाली है डेफिनेटली इस चीज़ में। बट अगर आप लोग ऐसा स्विंग ट्रेडर है, तो ज़्यादातर स्विंग ट्रेडर अगर आप हो जेन्युइनली, तो स्विंग ट्रेडर ऑन अ परसेंटेज वाइज फोकस करते हैं, नॉट ऑन अ प्रॉफिट वाइज। मैं प्रॉफिट को नहीं देखता, मैं परसेंटेज को देखता हूँ, मेरे को वीकली बेसिस पे 3-4% निकालना ही निकालना है। इसके अलावा जो अमाउंट मैंने इन्वेस्ट करा हुआ है वो अमाउंट नहीं जो मेरे पास डिपॉजिट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ज़ीरोधा के अंदर 10 लाख रुपए लगा रखे हैं, तो मुझे 10 लाख का 4% नहीं चाहिए। मैंने अगर 5 स्टॉक्स के अंदर 3 लाख रुपए लगा रखे हैं, तो मुझे 3 लाख का 4% चाहिए। लोगों का माइंडसेट क्या होता है, जितने डिपॉजिट कर रहे हैं मुझे उसका 4% कमाना है। इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग नहीं होती है, जितना आपने इन्वेस्ट करा है उसका 4% आप लोग कोशिश करो कि ऑन अ वीकली बेसिस या 10 दिन के अंदर आप लोग कमाने की कोशिश करो। मेरा यही एम रहता है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को अगर जैसे ये सारे स्टॉक्स मेरे को ब्रेकआउट मेरे एंट्री लेवल पर मिल गए ये सारे स्टॉक्स, तो मैं क्या करूँगा, मेरा देखिए फॉर एग्जाम्पल ये टोटल 10 स्टॉक्स हैं और मेरे पास है 20 लाख रुपए, सो मैं हर स्टॉक के अंदर 20,000 रुपए रखूंगा। यानी कि अगर मेरे को इस पर ब्रेकआउट देखा तो मैं ब्रेकआउट देखने पे 20,000 रुपए इस पर लगा दूंगा। अगर मुझे 9 पे नहीं मिला तो मेरे पास 1,80,000 अभी भी खाली पड़े हुए हैं,
मुझे जैसे ही इस पर ब्रेकआउट देखेगा मैं दोबारा 20,000 रुपये लगा दूंगा, 1,60,000 रुपये मेरे पास खाली पड़े हुए। इस पर देखेगा मैं 20,000 रुपये और ऐड ऑन कर दूंगा। मेरे पास जो 2,00,000 का फंड होता है ना वो है। इसके अलावा जो मेरे पास 2,00,000 रुपये और एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं वो मैं क्या करता हूँ, इसके अलावा मुझे इस पे जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एवरेजिंग करनी है, इसके अलावा मुझे और अच्छा एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है कंसोलिडेशन के बाद, तो मुझे और एड ऑन करनी है क्वांटिटीज, तो वो 2,00,000 में से जो 20,00,000 उसको भी मैं 20,000 में डिवाइड कर देता हूँ, तो उसमें से 2,00,000 में से जो 20,000 है वो मैं इसी स्टॉक पे दोबारा री इन्वेस्ट कर दूंगा, तो इसका हो गया 40,000 रुपये। सो मैं इस तरीके से काम करता हूँ। अगर आपके पास 40,000 रुपये है तो आप 20,000 में से 2,000 रुपये एक एक शेयर के अंदर लगाओ, और जो आपके पास रिमेनिंग 20,000 बचे जब आपको और एवरेजिंग करनी हो और या और अच्छे लेवल पे मिल रहा हो तो आप 20,000 रुपये और इन्वेस्ट करते हो सकते हो। सो इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी, मुझे लगता है आपके ऊपर से निकल गया होगा, बट जिन लोगों के नहीं निकला तो इस तरीके से मेरी ट्रेडिंग होती है, और एवरी टाइम मैं गाइस अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल ऊपर करता हूँ, बिकॉज मेरे को पता है कि मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चल सकती है, हमें मार्केट के हिसाब से चलना है। हो सकता है भाई ये मेरा टारगेट यहाँ पर है और मेरा स्टॉक यहाँ ट्रेड कर रहा है, मुझे पता है कि यार अब 20 रुपये ऊपर है मेरा टारगेट अचीव हो सकता है, तो हर ट्रेडर के माइंडसेट में ये बात आती है कि यार 20 रुपये तक के लिए मैं होल्ड कर लेता हूँ, मेरा टारगेट अचीव होगा मैं निकल जाऊंगा, बट जनरली वो यहाँ से फॉल कर जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाता है। बहुत लोगों के साथ ये चीज़ होती है। तो अगर आप लोग अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहोगे तो आपका कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस आने वाले टाइम पे इस लेवल तक पहुंच जाएगा, इस लेवल तक, ये वाले लेवल तक। तो आपका क्या होगा, अगर बाय चांस यहाँ से फॉल करेगा तो आपकी पूरी क्वांटिटी यहाँ एग्जिट हो जाएगी। और याद रखिएगा मेरा रूल है एग्जिट करने का 40-30-30, मतलब 40% क्वांटिटी मैं पहले टारगेट पे एग्जिट करता हूँ, 30% क्वांटिटी सेकंड में, और 30% रिमेनिंग क्वांटिटी ऑन अ लास्ट टारगेट। सो इसी वजह से मैं बचते रहता हूँ, मेरे को ज्यादा लॉसेज भी नहीं होते हैं अगर मेरा स्टॉप लॉस बाय चांस हिट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं ये 3 स्टॉक्स की, क्विस, शॉपर स्टॉप एंड तत्वा। आई होप बहुत लोगों ने ट्रेड ले रखा है ऑलरेडी एंड बहुत लोगों ने होल्ड करा है, बट जिन लोगों ने नहीं करा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से प्लानिंग करी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं शॉपर स्टॉप की। शॉपर स्टॉप आप देख सकते हैं अभी ट्रेड कर रहा है 354 रुपीज पे। ये स्टॉक मैंने आप लोगों को ये देख रहे हैं, लेट मी शो यू, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये देखिएगा, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने बनाई थी, इस ट्रेंड लाइन पे ये जोन देख रहे हैं, मैंने बोला था ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल 18 अक्टूबर की है, डेट आप नीचे देख सकते हैं, मैंने बोला था अब आपको नेक्स्ट डे से बाय करना है, और जो हमारा सबसे पहला टारगेट होगा दैट शुड बी 322 रुपीज, और परसेंटेज वाइज कितना है 13% का रिटर्न है, और मैंने बोला था उसके ऊपर आप लोग होल्ड कर सकते हैं क्योंकि ये मेरा पहला टारगेट है जो मुझे लगता है इजीली आ सकता है। ठीक है, तब आप देखिएगा हुआ क्या। अगर आप लोगों को यकीन हो रहा है 18th of October को, प्लीज आप चेक कर सकते हैं, मैंने 18th of October को ये बनाया था एग्जैक्टली एट दिस लेवल पे, और मैंने आपको बताया था यू कैन गो फॉर अ बाय। देखिए मेरी ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ड्रॉ करी हुई है 320 रुपीज की, तो आप देख सकते हैं कुछ स्टॉक्स यस कभी हिट नहीं करते हैं, कुछ स्टॉक्स हिट करते हैं, तो इसीलिए मैं आपसे 3 स्टॉक्स क्यों रिकमेंडेशन देता हूं। ये नहीं कि आप एक ही को बाय करो, आपको तीनों को बाय करना है। अगर आपके पास फंड कम है तो कम क्वांटिटीज पे बाय करो, बट डेफिनेटली तीनों को बाय करो, बिकॉज अगर एक हिट नहीं करेगा, दो हिट नहीं करेंगे, तीसरा आपको बढ़िया प्रॉफिट दे जाएगा, जो आपके दो में लॉसेज हुए हैं वो आपको पूरा कवर करके कुछ प्रॉफिट दे जाएगा। इसके अलावा मैंने आप लोगों को दिया था तत्वा। तत्वा अगर आप चेक करेंगे तो मैंने आप लोगों को ये वाली कैंडल देख रहे हैं 21 अक्टूबर को जो बनी है, ये वाली कैंडल ग्रीन कलर की कैंडल, मैंने बोला था स्टॉक को बाय कर लो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से, मतलब 6 महीने के हिसाब से आप इसे बाय करके चलो, और यहाँ पर आप लोगों को बढ़िया रिटर्न मिल जाएगा। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी हुई है, ट्रेंड लाइन तक बहुत ईजिली ये आ जाएगा। ये थी 21 अक्टूबर को, तो मतलब मैंने वीडियो बनाई होगी 21 अक्टूबर को। सो लेट मी शो यू, ये देखिएगा 21 ऑफ अक्टूबर को मैंने बॉटम पे आप लोगों को ये दिया था कि आप लोग बाय करके चलना। ये देख रहे हैं 21,160 रुपीज पे दिया था, मैंने बोला था ये टारगेट है बहुत इजीली आ जाएगा। अब आप देखिएगा परसेंटेज वाइज 14% का रिटर्न विद इन 2 डेज, कितने दिन में, 2 दिन के अंदर में मिला। इसके अलावा यहां पर हम लोगों को 18% का रिटर्न कितने, 3 दिन में मिला, 3 दिन के अंदर 18%, 2 दिन के अंदर तत्वा पे 15% का रिटर्न। तो आप देख रहे हैं आप कितनी अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हैं। अब आप क्विज में आते हैं, क्विज में क्या हुआ, ये वाली आप कैंडल देख रहे हैं, ये वाली कैंडल मैं दिखाता हूँ, ये वाली कैंडल, ये वाला एक फॉल आया था, तो इस वाले फॉल में 910 रुपये में मैंने बोला था आप लोग अपनी बाय पोजीशन बनाइएगा। जो मेरे टारगेट्स हैं, सबसे पहला टारगेट मेरा है ये वाला लेवल जो कि 1,000 रुपये का, जो कि बहुत ईजिली अचीवेबल है। इसके अलावा मेरा टारगेट 1,100 रुपये और उससे भी ज़्यादा ऊपर का टारगेट है, ठीक है, बिकॉज एक राइजिंग चैनल के अंदर एक रेंज बनी है और उसका ब्रेकआउट डेफिनेटली आएगा और हम लोग अपनी एग्जैक्टली बॉटम पे बाय कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम प्रोफाइल एनालिसिस। ठीक है, तो ये थी हमारी एनालिसिस। इसके अलावा ये वाली कैंडल देख रहे हैं, बहुत बियरिश कैंडल बनी, तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए, सर हम लोगों ने अपनी एग्जिट कर दिया, मैंने बोला बिल्कुल नहीं करना था, यू कैन स्टिल होल्ड योर पोजीशंस,
तो अब आप देख सकते हैं 942 पे आ चुका है, और ये स्टॉक्स भी मैं आप देख सकते हैं इसी लेवल पे मैंने रिकमेंडेशन आप लोगों को दी थी। ठीक है, तो गाइस फेडरल बैंक मैंने आप लोगों को दिया था 94 रुपीज पे। आप खुद जाके देख सकते हैं आज कितने का हाई लगा हुआ है, मतलब टोटल अभी लाइफ टाइम हाई देखेगा 107 रुपए का। इस लेवल पे मैंने आप लोगों को सजेस्ट करा था। सो आप लोग बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हैं। डेफिनेटली क्या होता है ना, मैं 3 स्टॉक्स देता हूँ, 3 में से एक चलता है या 2 चलते हैं, बट आप गलती से या बैड लक समझो या कुछ समझो, आप लोग उसी स्टॉक को बाय कर लेते हो जो चलना नहीं होता। तो आपको यही स्ट्रैटेजी मेरी फॉलो करनी है। बहुत लोग पूछते हैं कि सर 3 स्टॉक देते हो, मैं किस पे ट्रेड लूँ? मैं आपको यही कह रहा हूँ, आपको तीनों में ट्रेड लेना है अगर एंट्री आती है। अगर एंट्री नहीं आती है तो डोंट वरी, आपको ट्रेड नहीं लेना। सो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। फ्लैग एंड पोल की वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, कैसे मैंने ये ब्रेकआउट्स आइडेंटिफाई करे, कैसे मैं टारगेट्स फाइंड कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। आने वाली 2 दिन के अंदर व्यू वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, सो अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। मैं इसको अपडेट करते रहूंगा, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, कुछ समझ में आया सीखने को मिला तो लाइक जरूर कर देना। अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। सो मैं चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हुआ क्या, अभी देखिएगा, याद सुनिएगा मेरी बात को जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था। अगर आप लोग न्यू कमर हो, आप पहली बारी वाली वीडियो देख रहे हो, तो मेरी कल वाली वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि उस पर मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिए हुए है आपको इसका बिहेवियर पूरा समझ में आएगा। अब सुनिएगा, कल क्लोजिंग हुई थी एग्जैक्टली 3:15 को 18,140 पे। फ्राइडे को हुई थी, 18,140 पे क्लोजिंग हुई थी। मैंने आपको एक बात डेफिनेटली बोली थी, मैंने बोला था पुट कॉल राइटिंग हैवी 18,200 और 300 के अंदर है तो गैप अप आएगा। रिलायंस का रिजल्ट है, एक्सिस बैंक का, आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट था, तो गैप अप 110% आने वाला है। जब गैप अप आएगा आपको बिल्कुल भी बाय नहीं करना, ये मेरी वर्डिंग्स थी, आपको शॉर्ट करना है। मैंने आपको सीधा मुंह पे बोला था कि गाइस जैसे ही गैप अप आए आपको तुरंत शॉर्ट कर देना है, 1 मिनट की 2 कैंडल भी बियरिश दिख जाए तुरंत शॉर्ट मार देना और आपको बढ़िया 100 रुपए तक मिल जाएंगे। अब आप देख रहे हो, हम लोगों ने जैसे ही गैप अप देखा, मैंने बोला था अगर आप लोगों को 300 के ऊपर मिलता है, 18,300 के ऊपर, तो नहीं शॉर्ट करना, 18,200 300 के बीच में मिलता तो शॉर्ट करना है। अगर आपने शॉर्ट करा होता तो 250 से लेकर आप 970 तक, 950 भी मान के चलूं, तो ऑलमोस्ट आप 300 पॉइंट कैप्चर कर लो चुके होते हैं। मैं नहीं कह रहा आप 300 पॉइंट भी कैप्चर करो, तो 100 पॉइंट तो कैप्चर कर चुके होते हैं। उसके बाद मैंने आपसे बोला था ये वाला जोन है, ये वाला जोन है, इस जोन पे हमें अपनी एक्यूमुलेशन करनी है इस जोन पे। और यस, मैंने बोला था निफ्टी के अंदर बाइंग नहीं करनी है। मैंने आपको बोला था जिन लोगों ने भी 18,150, 18,100, 18,080 के आसपास बाइंग ऑलरेडी बना के रखी हुई थी फ्राइडे को, वो तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 18,000 इस लेवल को, इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेना। हुआ क्या, गैप अप खुला, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ने मेरे पास मैसेजेस आए थे कि सर गैप अप खुला है क्या करें, तो मैंने बहुत बहुत लोगों के मैसेजेस आए थे, बट मैं कम लोगों को रिप्लाई कर पाया था कि आप लोग एग्जिट कर लो। तो बहुत लोगों ने एग्जिट यहाँ पर कर भी लिया था, और क्योंकि मैंने बताया था, मेरी वर्डिंग्स थी कि आप लोगों को गैप अप पे निकल जाना है और यहाँ पर एक फॉल आएगा। अब हुआ क्या, मैंने आपको मना करा था निफ्टी के अंदर ट्रेड नहीं करना, बैंक निफ्टी के अंदर ही ट्रेड करना है, बिकॉज वहां पर ओपन इंटरेस्ट का डाटा बहुत अच्छा था, इसके अलावा ब्रेकआउट था बैंक निफ्टी के अंदर। सो लेट मी शो यू, अब आपको करना क्या, मैंने आपको क्लियरली बोल दिया लोअर लोज एंड लोअर हाइज ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस फॉर्म हो रहा है। अब ये वाला जो देख रही हो ना वाली कैंडल, ये वाली कैंडल के ऊपर जब तक एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं होगी, हमारे लिए निफ्टी के अंदर कोई भी बाइंग नहीं है। निफ्टी के अंदर बाइंग नहीं है जब तक 18,240 ब्रेक नहीं होता, शॉर्ट करना नहीं है हम लोगों को। तो निफ्टी के अंदर मोस्टली हमें बाय करना है अबव 18,240, कोई भी शॉर्ट नहीं करना, बाय ऑन डिप्स भी नहीं करना। बात करते हैं एक बार बैंक निफ्टी की। ओके, सो बैंक निफ्टी पे सबसे पहले आप सुनिएगा, मैंने आप लोगों को कल यही चीज बोली थी ऑन अ चार्ट्स कि ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न दोबारा बन गया, ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन गया, इसका ब्रेकआउट आने वाला है। टारगेट भी आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कौन सा टारगेट बताया था। सबसे पहले ये एक चीज देखिएगा, फ्लैग एंड पोल की पावर देखिएगा, ये देखिएगा, ये फ्लैग एंड पोल बना, ये फ्लैग एंड पोल देख रहे हैं ना आप लोग। मैंने इसका टारगेट क्या बताया था, ये मेरा टूल है जिसको मैं यूज करता हूं, मेरा टारगेट था 2%, यस मेरा टारगेट था, ये 2 देख रहे हैं, ये 2 मेरा फिबोनाची एक्सटेंशन के थ्रू टारगेट था, ये 2 रुपीज का लेवल, एग्जैक्टली वो टॉप बना और वहां से वो नीचे आया। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। इसके अलावा दोबारा एक फ्लैग एंड पोल वाला बना, अब इसका देखें, ये बॉटम है, ये टॉप है फ्लैग का, और दोबारा बॉटम पे आता है। अब आप देखिएगा 241,767 और हाई क्या था 47,833, 50-60 रुपए का ऊपर का हाई था, और एग्जैक्टली हमारा टारगेट ये था। और हम लोगों ने बोला था कि आप लोगों को बाय कहां पर करना है, आपको बाय करना है अबव
आपको बाय करना है अबव 40,600 के ऊपर। मैंने ये वर्डिंग बोली थी, अगर 40,600 के ऊपर चला गया, देखिए मैंने ये वाली बात आपसे बोली थी कि गैप अप खोलेगा तो मार्केट नीचे आएगी स्टार्टिंग में, निफ्टी पे तो बैंक निफ्टी पे भी आएगी। गैप अप खोला 41,000 पे, हमें ट्रेड ही नहीं ले सकते थे, तो ऊपर नहीं ट्रेड ले सकते, बट ये नीचे आया, ये नीचे आया 40,600 के आसपास। और अब आप देखिएगा 5-15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या करा इसने, सॉरी नॉट 16 मिनट्स, इट्स 15 मिनट, ठीक है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं क्या हुआ है यहाँ पे। एग्जैक्टली इसने सपोर्ट लिया है एग्जैक्टली इसी लेवल पे और यहाँ से बाउंस करा, ठीक है क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी एट दिस लेवल यहाँ पर आया, इस गिव अ वेरी गुड सपोर्ट और ऊपर गया। सो गाइस मैं आप लोगों को यही चीज बोल रहा हूँ, ये पैटर्न बहुत ज्यादा जबरदस्त है और ये जो एग्जैक्टली टारगेट्स हैं हम लोग एग्जैक्टली वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं। सो अब करना क्या है, लेट मी शो यू, अब हमें करना क्या है, अब आप देख सकते हैं ये बहुत बढ़िया सपोर्ट है क्योंकि ये एक टॉप का गैप था, इसको ब्रेकआउट दिया था, तो दैट गैप अब ये रेजिस्टेंस था तो ये सपोर्ट बन गया। सो अभी हम लोग 41,000 के बेसिस पे एक सपोर्ट ले सकते हैं, 41,000 एक बेस बन चुका है, 40,970 एक बेस बन चुका है। आप उस स्टॉप लॉस के साथ अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो आप डेफिनेटली एग्जिट कर लेना, अदरवाइज मेरे जो टारगेट्स हैं वो प्रीवियस हाई को भी ब्रेक करने के, बट मेरा मिनिमम टारगेट 41,600 है और मेरा जो अल्टीमेटली टारगेट होगा मैं आपको दिखा देता हूं। जो मेरा अल्टीमेटली टारगेट था दैट शुड बी 42,150 रुपीज का, मतलब अगर जैसे ही अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है दिस शुड बी माय टारगेट। बट अगर इसने अपने प्रीवियस 41,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं करी गाइस और अगर ये कंटिन्यूस बेसिस पे ऊपर जाता रहा तो यू हैव टू बाय बिकॉज बैंक निफ्टी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, जो मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था। सो आई थिंक आप लोगों को ये सॉर्ट आउट हो गया होगा। FII डाटा की बात करें तो FII डाटा ऑलवेज वीक चल रहा है तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं, उससे अभी मार्केट पे कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, बट जो मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली वैसी मार्केट वर्क कर रही है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना। इसके अलावा अब लास्ट पॉइंट ओपन इंटरेस्ट का डाटा, ओपन इंटरेस्ट के डाटा मैं अभी आपको मैं लेकर नहीं जाने वाला बिकॉज निफ्टी और बैंक निफ्टी का बिल्कुल स्टेबल है, जैसे मैंने आप लोगों को कल का ओपन इंटरेस्ट दिखाया था एग्जैक्टली वैसा है। निफ्टी बहुत ज्यादा वीक है ओपन इंटरेस्ट के मामले में, ओपन ऑप्शन डाटा के मामले में बहुत ज्यादा वीक है निफ्टी, और बैंक निफ्टी स्टेबल है, मतलब बैंक निफ्टी न्यूट्रल है। सो मेरे हिसाब से आपको करना क्या है, निफ्टी को इग्नोर करना है जब तक वो 18,240 या 300 के ऊपर नहीं जाता, और बैंक निफ्टी पे हमें बाय करना है, ठीक है। सो ये एनालिसिस आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यस निफ्टी अब कंसोलिडेट कर सकता है और बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है, सो फोकस ऑन बैंक निफ्टी रैदर देन निफ्टी। सो गाइज आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल को गाइस बिल्कुल ज्वाइन करिएगा बिकॉज वहां पर अपडेट्स मिलते हैं। बाय चांस ये ऐसा टाइम होता है कि मैं अपडेट नहीं दे पाता बिकॉज आपको खुद पता है कि मैं और भी चीज़ों में वर्क कर रहा हूँ जो मैं आने वाले टाइम पे आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा, एंड वो आपके लिए बेनिफिट के लिए ही, और पर्सनली सबसे ज़्यादा मेरे बेनिफिट के लिए ही मैं शेयर बना रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो इन फ्यूचर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी बहुत टाइम है उसे बनने में, बट उसमें मैं बहुत ज़्यादा बिजी रह रहा हूँ तो इसीलिए मैं ज़्यादातर नहीं आप लोगों के सामने अपडेट रह पाता, और मेरी बहुत लेट नाइट मीटिंग्स चल रही होती हैं बिकॉज वो US की कंपनीज को देखती हैं तो रात को ही कॉलिंग या जूम मीटिंग हो पाती है। सो आई होप आप लोगों को इतना कुछ समझ में आ गया होगा, तो वीडियो पसंद आई है लाइक करिए, स्टे ट्यून्ड विद अस विद आवर चैनल, एंड आई विल मेक यू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। गुड बाय, विल सी यू सून।